दोस्तों आजकल एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वो है द केला स्टोरी। फिल्म किसी को पसंद आ रही है तो कोई इसे नापसंद भी कर रहा है। कुछ भी हो, फिल्म ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर रही है और हर रोज नए रिकॉर्ड्स भी बना रही है। वहीं 12 मई को फिल्म 37 देशों में रिलीज होने वाली है। इस बात से जहां फैंस खुश है तो वहीं कुछ लोगों के बीच नाराजगी भी है। हालांकि फिल्म के कलेक्शन का असर इन बातों पर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाजा फिल्म की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे द केला स्टोरी से 7 दिनों में कितनी कमाई कर ली है, 8वें दिन कितना कलेक्शन करेगी। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को पसंद करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस पर द केला स्टोरी तगड़ी कमाई कर रही है। वीकेंड्स हो या फिर वीकडेज, इसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ रही है। द केला स्टोरी ने 7वें दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 79 करोड़ 86 लाख की कमाई हो चुकी है। वहीं दर्शकों का कहना है कि 2-3 दिनों की कमाई के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर लेगी, जो कि द केला स्टोरी की टीम के लिए खुशी की बात है। कमाई की बात करें तो पहले दिन 8.03 करोड़ की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 11.22 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद तीसरे दिन 16.4 करोड़, चौथे दिन 10.07 करोड़ और पांचवें दिन 11.14 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि किसी का भाई किसी की जान से ज्यादा थी। बता दें बॉक्स ऑफिस पर द केला स्टोरी के अलावा सलमान खान की मल्टी स्टार किसी का भाई किसी की जान, ऐश्वर्या राय की पोनियन सेल्वन 2 की भी कमाई जारी है। हालांकि वीकडेज पर इन फिल्मों की कमाई कम देखने को मिल रही है।